खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एनके सिंह, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। एनके जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। आज की जो घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे वायुसेना का MiG-21 आज फिर से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बहुत ही दुख की बात है। अभी अपडेट का इंतजार है। और मैं आपको बता दूं कि जो MiG-21 नहीं है, ये एक हमारी वायुसेना का एक बहुत सी मजबूत फ्लीट रही है, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त होता है, समय होता है, और ये फ्लीट जो है बिल्कुल उतनी पुरानी हो चुकी है कि अब जब भी हम सुनते हैं तो MiG-21 क्रैश होने के बाद ही जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़े नुकसान एक तो मशीन का होता है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है जब हमारे जो भी पायलट होते हैं, देखिए एक पायलट को ट्रेन करने के लिए देश के कितने संसाधन और कितना पैसा लगता है, और उस परिवार की स्थिति सोचिए आप। तो देखिए, पुरानी मशीनों के, पुराने हवाई जहाजों के, पुराने कलपुर्जों से, पुराने इंजन से चलने वाली इस तरह की मशीनों से जब ये हादसे होते हैं तो देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है, उस परिवार के लिए और समूचे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है, वायुसेना के लिए, हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जाहिर है जो सरकार है उसने काफी कदम उठाए हैं और फ्लीट को अपडेट करने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और बिल्कुल, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जो ये अपग्रेडेड फ्लीट भी है 21 की, जितनी जल्दी संभव हो सके, देखिए भारत सरकार जाहिर है अपने हालात देखते हुए जिस तरह के चारों तरफ जो हमारे, चाहे वो चीन का सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो या और भी कोई थ्रेट हो, उससे निमटने के लिए हम सभी जो है उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि इन्हें फेज आउट किया जाए, और नए एक्विजिशन पर काफी जोर भी है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना होना, MiG-21 की जो आज ये दुर्घटना हुई है जी, बहुत ही दुखद है, बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, वायुसेना के लिए, उस परिवार के लिए। हमें इंतजार है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पायलट हैं वो सकुशल बच जाएं। एनपी जी, अगर MiG-21 की बात की जाए तो 400 बार पहले ये क्रैश हो चुका है, 200 से अधिक पायलट इसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, और उसके बाद में अभी देखिए पूरी घटना को लेकर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्वीट करके कहा गया है कि रूटीन ट्रेनिंग ये चल रही थी और अब इस पूरी घटना को लेकर इंक्वायरी की जाएगी। क्या लगता है, सिर्फ इंक्वायरी काफी है? क्योंकि ऐसे हादसे तो पहले भी हो चुके हैं, क्या पहले कब इंक्वायरी नहीं हुई, क्या इसके ऊपर पहले क्यों नहीं अंकुश लगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जब कोई दुर्घटना होती है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है, कारण ढूंढे जाते हैं, कारण पता लगाने की कोशिश की जाती है, और हमेशा एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि उस पर कुछ कार्रवाई हो। अब कार्रवाई यही है कि इनका जो एज है, इनका जो पुराने हो गए हैं, फाइल रिजल्ट आता है, हमने देखा है ज्यादातर केसेस में कि वो मटेरियल फेलियर है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंजन में या किसी दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट में या कहीं जाकर कुछ इस तरह का है कि मटेरियल फेलियर हो गया है। अब जब उस पर अगर अपनी या मैन्युफैक्चरर या कहीं से वो किया जाए तो इनका लाइफ एक्सपायर हो जाता है, सब एक्सटेंशन के ऊपर, एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन, ठीक है। ये कैसे हम कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 दशकों में बहुत ही हमने कम, बल्कि 3 दशकों को अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नया इंडक्शन है वो बहुत कम हुआ है। अगर रिसेंट रफाल और जी बिल्कुल रूस आए थे ये छोड़ने, तो हमारे पास जो एक लंबा पीरियड ऐसा रहा इन आने के बाद कि हमने उन्हें अपग्रेड किया ही नहीं है, तो इनका जो लाइफ था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। इन्हें हम फिर से अपग्रेड कर लेते हैं, फिर चला देते हैं, लेकिन देखिए कोई एक हवाई जहाज उड़ता है तो वहाँ 0 टॉलरेंस हो जाता है। अगर कोई भी गलती हो गई तो मशीन भी आएगी और उसके उसमें जो पायलट हैं उनके भी लाइफ पे सवाल होता है। जैसे आपने बताई दिया है कि इतनी बार क्रैश हो चुके हैं जी, ये फ्लीट जो है धीरे धीरे खत्म होके ही जा रही है, तो ये देश के लिए और हमारी वायुसेना के लिए और उस परिवार के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में इस तरह की नौबत ना आए। एनपी जी, देखिए जब भी फाइटर प्लेन की अगर बात की जाती है तो एक सुरक्षा मन में महसूस होती है, पर जब जब MiG-21 की बात की जाती है तो एक डर अब मन में सताने लगा है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपने घर के अंदर आराम से बैठा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा होगा, और अचानक से एक फाइटर प्लेन आकर के गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इससे पहले जितनी भी घटना हुई, क्या कुछ जानकारी सामने आई कि आखिर क्या कुछ वैसे कारण रहे हैं, किस तरह से क्रैश हो रहा है बार बार? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शॉकिंग होता है कि एक व्यक्ति अपने घर से जाए और फ्लाइट ले और पता चला कि वो लौट के ही नहीं आ रहा, और क्या हुआ उसका, और एयरक्राफ्ट भी कहाँ चला गया, कहीं अचानक किसी के किसी रिहायशी या गैर रिहायशी इलाके में एकदम एयरक्राफ्ट आकर क्रैश हो जाता है, वहाँ आग के गोले उठने लगते हैं।
तो ये बहुत ही दुखद नजारा होता है और एक देश के लिए भी और एक हमारी जो सेना है, जो वायुसेना है, उनकी क्षमताओं के लिए भी। लेकिन हमारी जो जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो इतनी प्रोफेशनल हैं कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं एट, और वो अपनी जान पर खेल कर करते हैं। देखिए ये सब हो क्या रहा है कि अपनी जान पर खेल कर हो रहा है। और मैं मुझे जहां तक ध्यान है जितनी भी जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है पिछली, ज्यादातर रिपोर्ट में जो समस्या रही है वो मटेरियल फेलियर की रही है, जो ह्यूमन एरर है वो भी बहुत नेग्लिजिबल रही है जहां तक, क्योंकि इनका जो लाइफ होता है, देखिए हर चीज का लाइफ होता है, बिल्कुल किसी चीज का लाइफ 30 साल है, उसे हम 5 साल 10 साल एक्स्ट्रा चला सकते हैं, लेकिन अगर उसे और इतना ज्यादा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूट सकता है, कुछ फूट सकता है, कुछ फेल हो सकता है। और हवाई जहाज के केस में कोई भी फेलियर जो है वो बिल्कुल सेटल हो जाता है, घातक हो जाता है, और वो उस हवाई जहाज को भी और उसमें बैठने वाले पायलट को भी, दोनों के को ही के लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो बहुत ही दुखद है, और हम आपके माध्यम से बिल्कुल अपने देश से, सरकार से और इनसे चाहेंगे कि इस तरह की फ्लीट का फिर से रिव्यू किया जाए अपनी सुरक्षा को नजर रखते हुए, और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, बस हम यही आग्रह करना चाहेंगे। जी एनपी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।